everyone. Welcome you all at hashtag Shweta2020. I hope you all are well. So we are doing chapter 7, climate, weather and adaptation of animals to climate. So far as we have done about weather and climate, so today's topic is climate and adaptation. So humne ab tak dekha hai ki जो क्लाइमेट है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस का, इट कैन बी सेम और इट कैन बी डिफरेंट. तो जो ये क्लाइमेट है वो वहाँ पे उस प्लेस पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी इफेक्ट करता है, चाहे वो प्लांट्स हैं वहाँ के, चाहे वो एनिमल्स हैं या वहाँ पे रहने वाले ह्यूमन बीइंग्स हैं. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट डिस्कसिंग दिस की फिर क्या कैसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते हैं, अपने आप को अडेप्ट करते हैं. सो आवर टॉपिक इज क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. सो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कोई भी किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स को जो है वो करेगा अफेक्ट. तो जो एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है वो होता है सबसे डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस है. नॉर्मल क्लाइमेट में तो कोई भी रह लेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ी सी ठंड है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट है, बहुत गर्मी हो गई है, या बहुत एक्सट्रीम कोल्ड हो गई, बहुत चिल्ड हो गया, लो चला गया है टेम्परेचर, उन कंडीशंस में जो है कैसे जो है प्लांट्स हैं, जो कैसे एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. जैसे आपने देखा होगा हम ह्यूमंस, हमें जब समर सीजन होता है तो हम जो है यूज करते हैं एयर कंडीशनर्स, फैंस, कूलर्स, कुछ भी कर लेंगे. और ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स आल्सो वी कैन वियर लैदर एंड वुलन क्लोथ्स, वी कैन यूज द हीटर्स आल्सो. बट ये बेचारे एनिमल्स ये क्या करते हैं, हाउ दीज एनिमल्स सर्वाइव अंडर द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. Animals have many ways of adapting to extreme temperatures. Animals ने काफी सारे ways find out कर लिए हैं. उन्होंने अपनी body में external और internal जो है वो changes ले आए हैं, वो उनके characteristics में वो है, वो changes ले आए हैं. जैसे कि कौन से तरीके, कौन से ways उन्होंने find out किए हैं, change in their habits. उन्होंने अपनी आदतें, अपनी हैबिट्स चेंज कर ली हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर आउटसाइड. एंड दे हैव द स्पेशल फीचर्स. उन्होंने अपने धीरे धीरे उनकी बॉडी में चेंजेस आ गए हैं, स्पेशल फीचर्स जो उन्होंने अडेप्ट कर लिए हैं, विच इनेबल देम टू सर्वाइव इन दोस टाइप ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो कि उनको उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के, अडेप्ट करने के अपनी सराउंडिंग्स को बनाती हैं काबिल. सो व्हाट इज अडेप्टेशन? अडेप्टेशन क्या है? एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस. अडेप्टेशन जो है, जो कि एनिमल्स वहां पे किसी भी क्लाइमेट में रहने वाले अपने आप को ढाल लेते हैं उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल अडेप्टेशन. अडेप्टेशन इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस. एवोल्यूशन मतलब होता है कि बहुत लंबा टाइम, धीरे धीरे धीरे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी भी स्पीशीज में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस आते हैं, दैट इज एवोल्यूशन. सो अडेप्टेशन भी एकदम से नहीं आ गया है किसी एनिमल में कि हाँ जी उनको क्लाइमेटिक, जो उनका आउटर क्लाइमेट था उससे उनको प्रॉब्लम थी, एकदम से उन्होंने कोई मैजिक किया और उनकी बॉडी में चेंजेस आ गए. नो, ये धीरे 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 जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनके फीचर्स जो है, चाहे आउटर चाहे इंटरनल, उनमें चेंजेस आए. सो एवोल्यूशनरी प्रोसेस जिससे कि बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज एबल टू लिव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट. वो एवोल्यूशनरी प्रोसेस जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को उस एबल करता है, काबिल बनाता है उस हैबिटेट, हैबिटेट मतलब उसका घर, वो प्लेस जहां पे वो रहते हैं, उनको वो एबल करता है वहां पे सर्वाइव करने के लिए, कि वो वहां पे लिव भी करे एंड रिप्रोड्यूस भी करे. रिप्रोड्यूस मींस न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करना. सो व्हाट इज अडेप्टेशन? इट इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस. क्लियर? इससे पता चलता है अडेप्टेशन एक दिन में नहीं हो गई है, धीरे धीरे धीरे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम, धीरे धीरे उन्होंने चेंजेस के साथ अडेप्ट किया है अपने एनवायरमेंट को, अपने आप को ढाला है अपने सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग.
इससे क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म जो है अपने हैबिटेट में, अपने घर में, अपने उस प्लेस पे इजीली जो है वो रह पा रहा है एंड रिप्रोड्यूस भी कर पा रहा है. सो दिस इज अबाउट क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन. देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सम प्लेसेस जहां पे कि एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर, कोल्ड क्लाइमेट होता है. अप टू देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच.